सीआरपीसी चलेगी हो देखिए भाई, आपका सीआरपीसी में 156(3) चल रहा था, उसको केस आपका बताना था, केस लिख लीजिए तो जिसमें आपका फिर बता दिया जाए 156(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकता है। संघे मामलों में सीआरपीसी में ही रुका था, अन्वेषण का आदेश दे सकता है। किस मामले में? कॉग्निजेबल ऑफेंस में बताया गया था, सीआरपीसी 156(3) केस बताना था। लिखिए उस केस को, प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। नया कैसे आ सकता है क्वेश्चन, प्रियंका श्रीवास्तव, ये भाई नोट्स में नहीं है, लिख लीजिए, नोट्स में नहीं है, इसको लिख लीजिए अलग से। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 156 के क्लास 3 पर ये केस है। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट, AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस का नाम लिखिए, जस्टिस दीपक मिश्रा एवं प्रफुल्ल पंत दो जज थे, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा एवं प्रफुल्ल पंत, प्रफुल्ल पंत दो जज थे इसमें। इसका लिखिए साइटेशन, ये लिखिए, लिखिए जब 156(3) के तहत निर्णय लिखे, क्या आया निर्णय, जब 156(3) के तहत आवेदन दिया जाएगा, आवेदन दिया जाएगा तब उसके साथ, तब उसके साथ शपथ पत्र लगाना होगा, तब उसके साथ शपथ पत्र लगाना होगा। यदि ऐसे शपथ पत्र में कही गई बातें, यदि ऐसे शपथ पत्र में कही गई बातें मिथ्या पाई जाती है,
मिथ्या यानी कि फाल्स पाई जाती है, मिथ्या पाई जाती है, तब शपथकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, तब शपथकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगला लिखे देखिए 156 आपका समाप्त हो गया। इसके बाद 157 से भी क्वेश्चन आपका बनता है, यूपीएफपीओ में तो कई बार बन चुका है। 157 लिख लीजिए आपका, धारा 157 क्वेश्चन ये बनता है 157 से आपका। फिर एक बार कंसेप्ट बना लिया जाए, जब भी एफआईआर होता है तो ऐसी दशा में एफआईआर की कॉपी यानी कि मूल कॉपी, प्रथम प्रति और तत्पश्चात आपका सीडी यानी कि केस डायरी की फोटो कॉपी और तत्पश्चात अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है कि नहीं या पुलिस इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश करेगी कि नहीं, इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी जाती है न्यायिक मजिस्ट्रेट को यानी कि कचहरी वाले मजिस्ट्रेट को। प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी जाती है लेकिन इसका समय का उल्लेख नहीं। तो क्वेश्चन ये बनता है आपका, कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट की धारा के तहत भेजी जाती है, तो आपका क्या जवाब रहेगा 157। 157 की रिपोर्ट को आपका पूछा गया है और वह पूछा गया है प्रारंभिक रिपोर्ट या तांत्रिक रिपोर्ट या घटना की रिपोर्ट। लिखिए भाई इसको, ये पूछा गया प्रारंभिक रिपोर्ट, लिखिए आपका प्रारंभिक रिपोर्ट, ये पूछा गया क्वेश्चन यूपी में पूछा गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पुलिस प्रारंभिक रिपोर्ट किस धारा के तहत भेजती है, ये यूपी एपीओ में आ चुका है, तो आपका क्या जवाब रहेगा 157। इसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, है नोट में, तांत्रिक रिपोर्ट, तांत्रिक भी कहा जाता है, तांत्रिक रिपोर्ट भी पूछ सकता है या घटना की रिपोर्ट, घटना की रिपोर्ट भी कह सकता है, कौन सी धारा 157। दूसरा आपका ये देखना है कि पुलिस जब घटना की रिपोर्ट भेजती है तो आपका उसमें लिख कर भेजती है कि या तो मैं अन्वेषण कर रही हूँ या अन्वेषण नहीं करूँगी। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि पुलिस कब अन्वेषण करने से इनकार कर सकती है, तो दो कंडीशन नोट में याद रखिएगा। पहला, जब मामला तुच्छ प्रकृति का हो और एफआईआर नाम दर्ज हो, यानी कि एफआईआर नाम से दर्ज की गई हो और मामला क्या है छोटा, और दूसरा जब पर्याप्त आधार अन्वेषण का न हो। तो दो कंडीशन बस याद रखना है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। अब 158 भी यूपी पूछा जा चुका है। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है भाई आपका, तीनों बता दिया जाए, 157, 158 और 159। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या प्रोसीजर या विवेचना की प्रक्रिया किस किन धाराओं में दी गई है, तो अलग से इसको बना लीजिए, नोट्स में है वैसे। इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश या विवेचना की प्रक्रिया तीन धाराओं में दी गई है, तीनों मार कराइएगा, 157, 158 और तीसरी कौन सी धारा है 159। फिर एक बार क्रम बनाइए शॉर्टकट में, तो प्रारंभिक रिपोर्ट किस में भेजी गई 157, ये प्रारंभिक रिपोर्ट आपका कैसे भेजी जाएगी, ढंग कहाँ बताया गया है 158। तो एक बार यूपीएफपीओ ने ये बनाया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट भेजने का मेथड यानी कि ढंग किस धारा में दिया गया है,
तो अगर ढंग पूछे, तरीका पूछे तो किस धारा में 158 कैसे भेजी जाएगी, तो राज्य सरकार जैसा विहित करे यानी कि वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी। और कौन विहित करेगा कि कौन लेकर थाने से रिपोर्ट जाएगा न्यायालय में, कौन निर्धारित करेगा, ये राज्य सरकार। फिर इसके बाद आपका जब मजिस्ट्रेट के पास 159 के, अब आइए, जब 157 की प्रारंभिक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास 158 में पहुंच गई, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ये भी आपका पूछा जाता है। यहाँ दो आपका सिद्धांत बनाना है। पहला नियम ये बनाना है अच्छे से 159 से, और वह नियम ये आपके दिमाग में होना चाहिए, यदि पुलिस अन्वेषण कर रही है, याद रखिए पुलिस ने लिख कर भेजा है कि मैं साक्ष्य एकत्र करना प्रारंभ कर दी हूँ, अर्थात अन्वेषण कर रही हूँ, तो मजिस्ट्रेट को कोई पावर उस मामले में नहीं है, अर्थात मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश या विवेचना रोकने का आदेश नहीं दे सकता। लेकिन जब पुलिस ये लिख कर भेजे कि मैं अन्वेषण नहीं कर रही हूँ, तब मजिस्ट्रेट को पावर है कि वह क्या कर सकते हैं, पुलिस को आदेश दे सकते हैं कि आप अन्वेषण करें। लेकिन पुलिस अन्वेषण कर रही है तब मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं, याद रखिएगा। अर्थात मजिस्ट्रेट का कार्य पृथक है और आपका पुलिस का कार्य पृथक है। पुलिस का कार्य है अन्वेषण करना, मजिस्ट्रेट का कार्य है जांच करना, और ये दोनों कार्य अलग अलग हैं, एक दूसरे में व्यापी नहीं है। और इस बात का वर्णन ख्वाजा नाजिर अहमद बनाम इम्परर के बाद में प्रिवी काउंसिल ने किया, तो क्वेश्चन बन सकता है, लिखिए केस। ख्वाजा नाजिर अहमद वर्सेज इम्परर, ख्वाजा नाजिर अहमद, पूछ सकता है भाई, केस याद रखना है, ख्वाजा नाजिर अहमद वर्सेज इम्परर का केस है। और इसमें आपका ये लिखना है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट के कार्य, लिखिए निर्णय क्या है, एक लाइन दो लाइन लिखना है, पुलिस और मजिस्ट्रेट के कार्य एक दूसरे में व्यापी नहीं है। पुलिस और मजिस्ट्रेट के कार्य, पूछ सकता है कैसे, एक दूसरे में व्यापी नहीं है, उन्हें अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस का कार्य अलग और मजिस्ट्रेट का क्या क्या अलग, और दोनों को स्वतंत्रता है, पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप कौन न करे, मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के कार्य में कौन हस्तक्षेप न करे पुलिस, यही इस केस का मुख्य बिंदु। इसके बाद आइए पुलिस अब बयान लेती है, और यहाँ से भी देखिए इस चैप्टर से खूब क्वेश्चन बनता है, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, आपका देख भी रहे हैं, इसके बाद जो चैप्टर आएंगे थोड़ा कम समय लगेगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका बिहार और हरेक राज्य बनाता है। अगला आपका धारा 160, 161 और 162 तैयार रखना है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका पहले घूमका दो चार लाइन, पुलिस जब साक्ष्य एकत्र करती है यानी कि आपका अन्वेषण या तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन करती है, तो कुछ बयान भी दर्ज करती है, तो पुलिस आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पुलिस लोगों को बुलाती है तो किस धारा में बुलाती है, 160 में, और झारखंड ने क्वेश्चन बनाया कि पुलिस तलब करती है, बुलाती है, कॉलिंग करती है, तो क्वेश्चन ये बना था कि पुलिस क्या जारी करती है, समन जारी करती है कि गिरफ्तारी का वारंट कि लिखित आदेश, लिखित आदेश मार कर आइएगा, मैं फिर बता दूं क्वेश्चन झारखंड में बना है।
किसको बुला सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो जो व्यक्ति उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों से परिचित हो, सबको नहीं किसको, जो उस मामले में कुछ न कुछ जानता। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपको तैयार रखना है, किसको नहीं बुला सकते, तो हम बताएंगे अभी, पहले घूमता हो जाए। जब पुलिस बुला लेती है या न बुलाए, घर पर जाकर पूछताछ करे, तो पूछताछ करेगी तो कैसे करेगी, लिखेगी कि नहीं, और जो गवाह या साक्षी आपका बयान दिए हैं उनका बयान एक में ही लिखा जाएगा कि अलग अलग लिखा जाएगा, और किस डायरी पर लिखा जाता है ये पूछा जाता है, और पुलिस जो बयान लिखती है उसका साक्ष में महत्व क्या है ये भी पूछा जाता है। तो 160 में तलब पुलिस करे, 161 में बयान ले, और पुलिस जो बयान लेती है उसका एविडेंशियल वैल्यू साक्ष में महत्व, पिछली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में भी पूछा गया था, अभी बताएंगे उसका साक्षिक मूल्य क्या होगा, ये सेक्शन 162 में। तो 161 में देखिए भाई, आपका बेरेट का भी सहारा लीजिए, देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। पुलिस साक्षियों को किस धारा के तहत लिखित आदेश जारी करती है, तो कौन सी धारा मार्क कराएंगे, 107। दूसरा क्वेश्चन, पुलिस किसको बुला सकती है और पूछताछ के लिए, तो बस एक लाइन आपका कह सकते हैं कि जो व्यक्ति तथ्य एवं परिस्थितियों से क्या है परिचित, रट कर जाइएगा, किसको बुला सकती है, जो व्यक्ति तथ्य और परिस्थितियों से क्या है परिचित। इसके बाद आपका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही आपका बार बार पूछा जा रहा है कि किसको पुलिस थाने पर बुला के पूछताछ, एक और क्वेश्चन बता दिया तब भाई, पुलिस जब बुलाएगी तो क्या जारी करेगी, ये जरूर याद रखिए, रिटेन आर्डर यानी कि लिखित आदेश। भाई देखिए समय कम है, मेन चीजें ही बताई जा रही है जो आ सकता है, पूरा अपन चौरा करने का समय नहीं रहा। एक शब्द अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, यही पूछा जाता है, भले लिस्ट बना लीजिए, किसको नहीं बुला सकती लिखित आदेश द्वारा, तो किसी स्त्री को, यानी कि अगर स्त्री का बयान लेना है तो क्या उसे संस्थाने पर बुलाया जाएगा, तो नहीं बुलाया जाएगा, स्त्री को नहीं बुला सकती बयान लेने के लिए। इसके बाद अगर पुरुष है तो वही एज पूछी जाती है, कितने से कम, जरूर याद रखिएगा, यही क्वेश्चन गलत होता है, झारखंड बिहार इत्यादि राज्य, कितने से कम आयु के पुरुष को पुलिस पूछताछ के लिए 160 के तहत थाने पर नहीं बुला सकती, तो 15 साल से कम दे देगा एक ऑप्शन, दूसरा 16 साल से कम, तीसरा 18 और चौथा दे देगा 21 वर्ष से कम। तो 21 वर्ष से कम के पुरुष को आपका पुलिस लिखित आदेश जारी करके नहीं बुला सकते, तो यहाँ दूसरा एज है, देख लीजिए, इसीलिए लोग गलत करते हैं, ज्यादा लोग दिमाग में 16 या 18 बैठाए हुए हैं, अब दिमाग से निकाल कर, और फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, कितने से कम, 15, गलत ना हो, यही गलती होगी। अगला देखिए, 65 वर्ष से ऊपर के आपका पुरुष को भी नहीं बुला सकती, अब याद रखिए 65 वर्ष के अधिक के आपका कह सकते हैं कि पुरुष को, या अगला है जो मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, यानी कि जो चौथा किसको नहीं बुला सकती, जो मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो, दिव्यांग, दिव्यांग का मतलब हुआ विकलांग, या कुछ आपका दोष हो, कैसे, या तो मानसिक या शारीरिक। तो अब मॉडल ये बन सकता है, नया मॉडल, कि पुलिस 160 के तहत किसको तलब नहीं कर सकती, तो दे देगा 15 वर्ष से कम आयु के पुरुष को, किसी भी आयु की स्त्री को, 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को,
और मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्ति को और लास्ट में उपर्युक्त सभी दे देगा। तो क्या मार्कर आएंगे? उपर्युक्त सभी। अब जो भी ऑप्शन दे, किसको बुला सकते हैं भी पूछ सकता है। तो जैसे ही 15 वर्ष से अधिक का पुरुष हुआ, मानसिक और शारीरिक रूप से क्या नहीं है, दिव्यांग नहीं है, उसको भी पुलिस बुला सकती है। अब बुलाएगी तो भाई आप कह सकते हैं कि कोदो तो बोवाएगी नहीं और बाउंड भी कहा पौधी ना, तो बुला कर क्या करती है, ज्यादा लोगों की दुनाई करती है। लेकिन अभी दुनाई ना करवाइए, आपका कानून का पालन कराइए भाई, दुनाई बाद में कराया जाएगा। अगला देखिए, 161 से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ से इंटरव्यू में भी बना है, थोड़ा सतर्क रहना है। जब पुलिस ऐसे व्यक्तियों को या तो बुलाई या घर पर जाकर या अस्पताल में जाकर बयान दर्ज, किसी कहते हैं पुलिस द्वारा बयान दर्ज करना, तो बयान की धारा में दर्ज होता है 161, रटे रहिए, 160 में तलब की बुलाई और बयान किस में दर्ज। अब देखिए, पुलिस पूछताछ करेगी तो ऐसे व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह सब कुछ सही सही बताए। याद है पहला, पुलिस ऐसे व्यक्ति के, राजस्थान का क्वेश्चन का मॉडल, क्या पुलिस अपने समक्ष दिए गए साक्षियों को बयान दर्ज करने के लिए बाध्य है कि विवेक का अधिकार है? तो पुलिस बाध्य नहीं है, बल्कि उसका क्या है, विवेक। या तो वह बयान को दर्ज करे या दर्ज न करे, लेकिन जो भी दर्ज करे बयान, सभी गवाहों का पृथक पृथक बयान दर्ज होगा कि एक में ही, ये झारखंड ने बनाया, तो बताइए पृथक होगा कि एक में, आपका पृथक पृथक, सही सही करेगी कि गलत गलत, हाँ रखते रहे सही सही। अब एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए ध्यान से भाई, ये आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको अलग से लिख सकते हैं। अगर पुलिस ने कई गवाहों के बयान एक साथ दर्ज कर लिए हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसका प्रभाव क्या होगा, तो वह बयान वैध होगा कि अवैध होगा। तो बस एक लाइन याद रखिए, अनियमितता या आपका त्रुटि तो हुई, लेकिन ये गलती क्षम्य है और बयान क्या होगा, वैध। ये भी क्वेश्चन आ चुका है झारखंड में, कि ऐसा बयान क्या होगा, तो बयान वैध होगा कि अवैध, वैध। 161 से क्वेश्चन ये बनता है, फिर 162 से दो क्वेश्चन बनते हैं, आपका UPJ और APO का मॉडल, फिर बार काउंसिल का मॉडल और अन्य का मॉडल। देखिए आपका तीन मॉडल से चलना है, 162 आपका पहले तो UP APO और J का मॉडल देखा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन हेडिंग से बना है कि किस धारा में ये कहा गया है कि पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना और कथनों का साक्ष्य में उपयोग। तो मॉडल ये बना है कि पुलिस द्वारा जो बयान या स्टेटमेंट दर्ज किया जाता है उसका एविडेंशियल वैल्यू किस धारा में दी गई है, साक्ष्य में प्रयोग की धारा के तहत दिया गया है, तो गलत न हो 162, कौन सी धारा, 105। क्या जो पुलिस गवाह का बयान दर्ज करती है क्या उस पर हस्ताक्षर होगा कि नहीं, हस्ताक्षर कराया जाएगा कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं। अब यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, झारखंड ने थोड़ा अंदर जाकर बनाया। देखिए, ये एक व्यक्ति है और पुलिस ने इसका बयान दर्ज किया घटना के बारे में, एक और क्वेश्चन देखिए यही आपका कवर करना है, ये बयान आखिर कहाँ दर्ज किया जाएगा, किस डायरी पर दर्ज किया जाएगा या किस डायरी में लिखा जाएगा, 172 में वह डायरी आएगी, किस डायरी, यानी कि CD, आपका CD कहा जाता है, या केस डायरी या रोजनामचा खास, तो किस में लिखा जाएगा, अगर पूछ ले अंदर जाकर बिहार APO तो किस में बताएंगे, रोजनामचा आम नहीं, रोजनामचा खास या CD, और पूरा नाम क्या है, केस डायरी।
किस डायरी सीआरपीसी की धारा में है? 172। कौन सी धारा? जीडी ना मार दीजिएगा, मैं फिर बता दूं, जनरल डायरी नहीं, क्या मारेंगे? सीडी। सीडी कहाँ है सीआरपीसी में? और जीडी तो भाई उसी एपीओ में काम करती है, पुलिस एक्ट की धारा 44 में जीडी है। जनरल डायरी रोज नाम क्या आम, अभी 44 ना जानिए, यूपी एपीओ में जाना जाएगा। अभी पहले 7 फरवरी तक केवल और केवल कौन देखिए, बिहार एपीओ, यूपी एपीओ नहीं देखना। अभी अगला देखिए आपका, यहाँ क्वेश्चन एक लाइन और बनता है, 2 क्वेश्चन और बनते हैं, अच्छे से इसको तैयार रखिए, दोनों क्वेश्चनों को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर पुलिस साइन करा ही लेती है गवाह का उस बयान पर, तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो वह बयान वैध होगा, अवैध होगा, बयान वैध होगा ये अनियमितता क्षम्य होगी, और बयान वैध होगा, तो याद रखिए बयान वैध होगा ये अनियमितता या गलती क्षम्य होगी, अगर साइन क्या किया गया। अभी के समय नहीं है, नहीं तो डिटेल में चलता कि क्यों ऐसा किया गया, उसका रीजन बताया जाता, लेकिन भविष्य में आपका सीआरपीसी चलेगी डिटेल में तो जरूर बताया जाएगा, क्योंकि एक एक दिन लग जाता है, एक डेढ़ घंटा इन धाराओं में। लेकिन ये है कि भाई पहली प्राथमिकता इस बैच की है कि 7 फरवरी का जो एग्जाम है बिहार जे मैंने एपीओ का, उसको छल बल कर करके क्या किया जाए, निकाला जाए। कहा कही जाते हैं ना, जैसे भाजपा वाले हैं किसी तरह सरकार बन जाए, तो इस समय आपका पूरा भी होना चाहिए कि रट कर, चाहे पढ़ कर, चाहे समझ कर, किसी भी तरह से 7 फरवरी वाले एग्जाम में मेरिट हम चाह रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा तो आप थोड़ा कम भी करेंगे तो पूरा चांस रहेगा। अभी है कि कुछ ना करिए तो भाई इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप कुछ न करके आए या ना निकले तो कोई मतलब है नहीं, आपका बस शब्दों को याद करिए, इतने में 90% आ जाता है, कोई इसमें ये नहीं है। अगला देखिए भाई, आपका जो बार काउंसिल में क्वेश्चन बना था, बैठिए भाई ना जगह, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में क्वेश्चन बना था वो देखा जाए, और ये क्वेश्चन यूपी एपीओ में रिपीटेड है। पुलिस द्वारा जो बयान दर्ज किया जाता है उसका साक्ष्य में क्या महत्व होगा? और देखिए कैसे ऑप्शन देगा, ऑप्शन देगा कि वह सारवान साक्ष्य होगा, सारवान सब्टेंसिव ला, दूसरा देगा वह संपोषक साक्ष्य होगा, तीसरा देगा केवल खंडन के लिए प्रयोग किया जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। तो केवल और केवल किसके लिए? खंडन। अब खंडन को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में खंडन नहीं दिया था, विरोध दिया था। क्या दिया था? अरे भाई खंडन का मतलब ही तो विरोध हुआ, और क्या हुआ? विरोध के लिए इसको जरूर एक लाइन लिख लीजिए बेयरट पर कि पुलिस के समक्ष किए गए कथन का प्रयोग किसके लिए, तो केवल और केवल किसके लिए? खंडन के लिए। खंडन मतलब क्या? विरोध करना, यानी कि कंट्राडिक्शन के लिए। यही याद करके जाइए, और पूरा बेरेट ना पढ़िए इस समय, इस समय आपके बेरेट पढ़िए, लेकिन जो हम निकाल रहे हैं क्लू उसको जरूर पढ़िए। तो क्या किसके लिए प्रयोग होगा? खंडन, ये नहीं कि भी गलत हो जाए। अब आइए 163, जब भी पुलिस पूछताछ करे, 163 कहती है आपका कि आपका न तो पुलिस उत्प्रेरणा दे, न धमकी दे, न दिलवाए, यानी कि आपका मारपीट न करे। सामान्य भाषा में पुलिस प्रेम से पूछे, चाय पिलाकर पूछे, पानी पिलाकर, ये कानून कहता है, कौन सी धारा? 163। लेकिन हमेशा इस धारा का क्या होता है? उल्लंघन, और कभी भी ये धारा आज तक कंपटीशन में आई ही नहीं। तो छोड़ सकते भाई, आज तक के इतिहास में यानी कि पुलिस पर रोक लगाई गई है कि 3rd degree का प्रयोग न करे, लेकिन पुलिस हमेशा क्या करती है? इसी का प्रयोग करती है। देखिए हुआ क्या, अंग्रेजों ने पुलिस सिस्टम को स्थापित किया था, और अंग्रेज इसलिए किए थे कि पुलिस द्वारा
हम भारत के लोगों का क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे और करते भी थे। अगर लाल टोपी पुलिस पहनती थी, अब टोपी बदल गई है। जैसे किसी गांव में लाल टोपी वाला पहुंचता था, तमाम गांव के लोग गांव छोड़कर क्या हो जाते थे, ये भी याद रखे, क्या हो जाते थे, रहने दीजिए। हो इतना चिल्लाते हैं क्या, पढ़ते हैं हाँ, इतना पता ना क्या हल्ला करते हैं बीच बीच में, बोला वाला दो गुण मिल जाता है क्या उसी में तो आदमी उग्र होता है ज्यादा। देखिए यार, दो कस मिल जाए, जैसे बाबा बाबा है तो गाजा। देखिए आगे भाई, आपका अगला नियम ये देखना है आपका, 163 से पूछा लेकिन 164 से क्वेश्चन बनता है। 164 जो है आपका, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित एक बनता है और उसी को सतर्क रहना है। देखिए आपका, जब कोई व्यक्ति आपका पुलिस द्वारा गिरफ्तार होता है या ना होता हो, तो वह चाहे तो आपका अपना बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करा सकता है। इसलिए बयान दर्ज कराया जाता है कि अगर वह व्यक्ति बाद में मुकरे तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सके। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण हमारे तेल वाले बाबा हैं, और आपका जब FIR उन पर दर्ज हुई तो पीड़िता का मजिस्ट्रेट ने 164 के तहत स्टेटमेंट या कथन दर्ज किया, और अब पीड़िता कोर्ट में जाकर मुकर गई है, तो ये शपथ पत्र पर कथन दर्ज हुआ है, इसलिए शपथ पत्र भंग करने के लिए उस पर क्या चल सकता है, कार्रवाई। यानी कि जब भी घटनाएं होती हैं तो आपका पहला क्वेश्चन ये आता है कि 100 UPFU में आया था भाई, वो मॉडल भी अच्छे से तैयार रखना है कि धारा 164 के तहत क्या मैंने दर्ज किया जाता है या क्या लिखा जाता है। पहला ऑप्शन दे देगा कथन, दूसरा कन्फेशन या संस्वीकृति, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो ये याद रखिए कि दोनों चीजें लिखी जाती हैं। क्या क्या लिखा जाता है, कथन भी और कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति। संस्वीकृति कौन कर सकता है, तो केवल और केवल अपराध का अभियुक्त व्यक्ति, और कथन या स्टेटमेंट कौन दर्ज करा सकता है मजिस्ट्रेट के यहाँ, कोई भी व्यक्ति। संस्वीकृति का मतलब ये हुआ कि जब कोई अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार करता है तो कहाँ कहाँ स्वीकार कर सकता है भाई, आम जनता के सामने कर सकता है, परिवार के सामने कर सकता है, या पुलिस के सामने कर सकता है, या मजिस्ट्रेट के सामने कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर करता है तो उसका साक्ष्य में महत्व ज्यादा होता है, याद रखिए। अगर कोई अभियुक्त है, पुलिस अभिरक्षा में है, और वह अपना अपराध क्या करना चाहता है स्वीकार, तो लिखा जाता है कन्फेशन, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, किस धारा में 164। और ये पूछे कि कथन आपका मैंने कथन कौन कर सकता है, किसका कथन, सभी का, और कन्फेशन कौन कर सकता है, केवल और केवल अपराध का AQ, ये दो बातें याद रखना है। फिर आपका UPSJS में आपका एविडेंशियल वैल्यू पूछा गया भाई, तो अगर ये क्वेश्चन अलग से लिख लीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है भाई जो लिखवाया जा रहा है। संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या होगा, यानी कि कन्फेशन 164 में किया है तो उसका साक्ष में क्या महत्व होगा। अब यही देगा कि वह सारवान साक्ष होगा, कि संपोषक साक्ष, कि केवल खंडन, इनमें से कोई नहीं दे दे तो आप क्या मार कर आएंगे, तो कन्फेशन एक सब्सटेंसिव एविडेंस होता है,
यानी कि सारवांशात, इसका मतलब ये हुआ कि केवल अपराध स्वीकार करने पर ही अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। उसको लिख लीजिए भाई, संस्कृति सारवान साक्ष्य होगी। एक लाइन लिख लीजिए, पूछा है जेस में यूपी, संस्कृति कैसा साक्ष्य होगी? सारवान साक्ष्य होगी और केवल संस्कृति के आधार पर सजा दी जा सकती है। केवल संस्कृति के आधार पर सजा दी जा सकती है, ये जरूर याद रखे, अंडरलाइन किए रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन आइए देखा जाए, आपका अगला क्वेश्चन जो आपका चलता है माने बनता है वह देखा जाए। अब कन्फेशन कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, नियम क्या है, दो मिनट में समझ लेना। देखिए, संस्वीकृति कौन करेगा, तो ये क्वेश्चन भी काफी आपका बना है एमपी में, तो कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, तो कौन लिख सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में उसे अधिकारिता हो या न। अब एमपी का मॉडल देखिए, अधिकारता है तभी लिखेगा, अधिकारता न होने पर भी लिख सकता है, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे, अधिकारता हो या न हो, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों, अधिकारिता हो तब भी और अधिकारता न हो तब। चूंकि अगर अभियुक्त संस्वीकृति करता है तो वह संस्कृति उसके खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग होगी और हो सक और उसी आधार पर उसे क्या मिल सकती है, सजा। अतः आपका जब भी मजिस्ट्रेट अपराध संस्कृति लिखे, तीन सतर्कता के नियम है और वही सतर्कता के नियमों को जानना, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब अभियुक्त को तीन बातें बताएंगे, ये लिखना नहीं है, समझना है, तीन बातें। पहली बात अभियुक्त से बताएंगे कि तुम संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो भी बोलना यहाँ स्वेच्छा से बोलना, यानी कि संस्कृति अपनी इच्छा से करना, कोई जोर जबरदस्ती यहाँ नहीं। और तीसरी बात भी बता देंगे कि तुम्हारा घड़ा तुम्हारे ही सिर फूटेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम हमारे यहाँ अपना अपराध स्वीकार करोगे, ये जब आगे मामला बढ़ेगा तो ये तुम्हारे खिलाफ साक्ष्य में क्या होगा प्रयोग, ये तीन बातें बता देंगे। और अभियुक्त अगर कहता है कि हम संस्कृति नहीं करेंगे, तब या तो जमानत दी जाएगी या जेल भेजा जाएगा। अब पुलिस कस्टडी में या पुलिस को अभियुक्त को पुलिस को सौंपा नहीं जाएगा, लेकिन तब जब अभियुक्त क्या कर दे संस्कृति करने से इनकार, क्यों, क्योंकि पुलिस भरमा कर ले गई होगी और वहां इनकार कर दिया, तो ऐसी दशा में पुलिस धुनाई कर देगी ज्यादा कि हमने बहका कर ले गए कि चलो स्वीकार करो और तुम वहाँ क्या किए कर गए, तो पुलिस अभी रक्षा में नहीं, या तो जमानत दे दी जाए या नैनी जेल भेज दिया जाए, मतलब न्याय का विरोध कर पुलिस में नहीं। अगला नियम देखिए, इस पर एक केस उत्तराखंड ने बनाया था और वही केस लिख लीजिए। आपका एविडेंस की धारा 29 में क्या कहा गया है और 164 में क्या कहा गया है। देखिए भाई, आपका नए लोगों के लिए थोड़ा दिक्कतें हैं, क्योंकि इतना आपका अंदर तक सीआरपीसी पूछता है कि नए लोग एक एक शब्दों को केवल पकड़े और कोई उपाय नहीं, क्योंकि इतना जल्दी पूरा समझाना हमारे बस की बात नहीं है, बस क्या आ सकता हम ये बता सकते हैं पूरा। तो 29 कहती है एविडेंस की धारा कि अगर किसी व्यक्ति को चेतावनी दी जानी चाहिए, चेतावनी नहीं दी गई और वह अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, तो वह कन्फेशन, वह संस्वीकृति साक्ष्य में सुसंगत हो। और 164 कहते हैं कि मजिस्ट्रेट लिखने से पहले क्या करेंगे, चेतावनी देंगे
और क्या तीन चेतावनियां हमने बताया, तो बताइए दोनों में टकराव हो गया नहीं, सीआरपीसी और एविडेंस में हो गया। इस टकराव को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा और वही केस याद रखना, सिंघाड़ा सिंह, लिख लीजिए भाई, सिंघाड़ा सिंह वर्सेज, उसी पर लिख लीजिए, आपका बेरक पर भी लिख सकते हैं, 164 टाबलिक एविडेंस की धारा 29 लिख लीजिएगा, जोड़कर एविडेंस की धारा 29 लिखे के सिंघाड़ा सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, सिंघाड़ा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, लिखिए यदि 164 के तहत संस्कृति लिखी जाती है तो चेतावनी दिया जाना अनिवार्य है, यदि धारा 164 के तहत संस्वीकृति लिखी जाती है तब चेतावनी दिया जाना आवश्यक है, अनिवार्य में देनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को, बिना चेतावनी के अवैध हो जाएगा, ठीक है ना। चेतावनी दिया जाना क्या है, बाध्यकारी है कि विवेकाधिकारी, यहाँ बाध्यकारी, ये कौन सा केस है। अब एविडेंस में देखिए कैसे पूछा जाता है कि सिंघाड़ा सिंह का केस किससे संबंधित है, मृत्युकालिक कथन, रजिस्ट्रेशन, फिर आपका दे देगा कह सकते हैं संस्वीकृति इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे, संस्वीकृति की धारा से 29, क्योंकि 24 से 30 तक किसके बारे में एविडेंस में, संस्वीकृति। अगला ये आपका क्वेश्चन यूपीएफओ का देखा जाए, संस्वीकृति कब लिखी जाती है 164 के तहत, तो देखिए यूपीएफओ ने क्या मॉडल बनाया था, ये भी गलत लोग करते आ गए थे लेकिन अभी लिखवा देंगे, दिया था अन्वेषण के दौरान, फिर दूसरा दिया था जांच के दौरान, तीसरा दिया था विचारण के दौरान और उपर्युक्त सभी, तो ज्यादा लोग मार कर के आए थे, उपर्युक्त सभी मार कर आए थे, लेकिन सतर्क रहना है उपर्युक्त सभी नहीं मारना है, 164 के तहत जो ये क्वेश्चन गलत ज्यादा होता है, सतर्क रहिए, 164 के तहत जो संस्वीकृति लिखी जाएगी आपका सतर्क ये रहना है कि किस स्टेज में लिखी जाएगी, अन्वेषण, ये जांच विचारण न मारिएगा, किस स्टेज पर, ये क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस रहते हैं, लेकिन केवल अन्वेषण नहीं जानना है, थोड़ा आगे बढ़ना है, कदम नया मॉडल देखिए क्या बन सकता है, एकदम नया मॉडल पर आइए जो बन सकता है, अभी बना नहीं है कहीं, ये दे देगा अन्वेषण के दौरान, ये दे देगा दूसरा अन्वेषण के दौरान, तत्पश्चात जांच एवं विचारण के पूर्व, फिर जांच के दौरान, विचारण के दौरान, अब देखिए एक शब्द हमने चेंज किया इस उदाहरण में, अन्वेषण के दौरान केवल हमने नहीं, एक और शब्द लिखा दूसरा में, अन्वेषण के दौरान, तत्पश्चात जांच एवं विचारण के पहले, तो जो बेयर एक्ट की भाषा है पकड़ना है, और दूसरा ऑप्शन क्या होगा इस ऑप्शन में, सही, यानी कि उसको लिख लीजिए, कब लिखी जाएगी, ठीक है आपका यूपीएफओ का मॉडल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं अन्वेषण, लेकिन सतर्क ये रहना है कि अगर शब्द एक जोड़ दे तब क्या करेंगे, तो उसको लिखिए भाई, यह संस्वीकृति अन्वेषण के दौरान, तत्पश्चात जांच एवं विचारण के पूर्व लिखी जाती है, दोनों मार्क कराइएगा, ये जांच और विचारण शुरू होने के पूर्व भी लिखी जा सकती है, ये जरूर अंडरलाइन करिए। अब आइए आपका हो गया नहीं है, जांच एवं विचार, तत्पश्चात जांच विचारण के पूर्व या पहले, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो यूपीएस में बना है भाई, क्वेश्चन ज्यादा अब चलना है,
कथन कौन कथन कौन किसका कथन दर्ज किया जाता है 164 में? सबका, कोई दिक्कत नहीं, चाहे अभियुक्त हो चाहे पीड़िता हो और चाहे आपका कह सकते हैं कि गवाह। फिर एक बार याद रखे, किसका कथन दर्ज किया जाता है? सबका। सभी मार्कर आइएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए एक और इसमें जुड़ा है, अगर आपका पीड़िता है और कह सकते हैं दुराचार की शिकार महिला है तो हर हाल में अपाधिकारी है, हर हाल में आपका उसका कथन जितना जल्दी से जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के यहाँ दर्ज कराया जाए। अब विवेक नहीं है, यानी कि पुलिस के लिए बाध्यकारी है कि वह न्यायिक मजिस्ट्रेट को पीड़िता को ले जाए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास और उसका बयान क्या करे हर हाल में। और अगर पीड़िता कह सकते हैं दिव्यांग है बोल नहीं सकती तो तमाम हम नियम है उतना नहीं हम बताएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण नियम है कि कथन का एविडेंस में प्रयोग किस रूप में होगा, यानी कि 164 के तहत जो पीड़िता का गवाह का बयान दर्ज हुआ है इसका प्रयोग साक्ष्य में क्या होगा, तो यही क्वेश्चन बनता है। संपोषक साक्ष्य होगा कि सारवान, तो सारवान न मारिएगा कथन, कथन संपोषक संस्कृति सारवान लिखिए। 164 के कथन का साक्ष्य में महत्व संपोषक होगा, संपोषक सारवान न लिखिएगा, अगर कन्फेशन पूछे तब सारवान मारना है और कथन पूछ दे तो संपोषक। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं भाई, अब क्या किया जाए, समय कम है नहीं तो बताया जाता है, मेन क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। अगला आपका यूपीएस में ये बना कि 164 के कथन का प्रयोग हो सकता है कथनकर्ता की बातों का खंडन करने के लिए, फिर आपका कथनकर्ता की बातों की संपुष्टि के लिए और दोनों इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ दोनों मार कर आना। इसके साथ 162 का भी प्रयोग करिए और 164 में अंतर भी दिमाग में बैठा लेना। बताइए अभी बताया गया 162 का प्रयोग किसके लिए? केवल खंडन, खंडन को बार काउंसिल में हमने क्या बताया था? विरोध। और 164 का अगर स्टेटमेंट आ जाए और ये दे दे कि खंडन के लिए संपुष्टि के लिए दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे? दोनों, केवल खंडन नहीं संपुष्टि भी, यानी कि इसका मतलब विरोध के लिए और समर्थन के लिए भी। लिखिए एक लाइन भाई, अच्छा क्वेश्चन बना है। देखिए इस धारा के तहत अभिलिखित कथन का प्रयोग, देखिए संपोषक ना है तब ये मानना है, संपोषक ना है तब ये ऑप्शन में आएगा। इस धारा के तहत कथन का प्रयोग संपुष्टि एवं खंडन के लिए किया जा सकता है, संपुष्टि एवं खंडन, और तुरंत एविडेंस की दो धारा तैयार रखनी है। संपुष्टि की धारा में तो 157 और खंडन की धारा में 100, वही एविडेंस की धारा जोड़ लीजिए जहां आप लोग दो शब्द लिखे हैं ना, फिर मैं बता दूं ताकि धारा भी कुछ रटता रहे। एविडेंस की धारा में संपुष्टि है तो संपुष्टि आप लिख लीजिए 157 और एविडेंस की धारा में खंडन है तो 145 लिख लीजिए, ताकि दो धारा और याद हो जाए एविडेंस भाई, ऐसे तो धारा याद होगी और कारट्टा मारने से थोड़े हो जाए। अगला 164 भाई इतना ही पर्याप्त है, आगे बढ़ा जाए 165, 100 आपका 65 छोड़ सकते हैं, 166 छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन बनता है 166 ए और 166 बी, 164 ए भी पढ़ना है भाई, लिखिए भाई अलग लिखिए 164 ए, देखिए पूछा जाता है।
हेडिंग डाली जिसमें एक लाइन पूछा जाता है 164A, ये भी आजकल पूछा जा रहा है। लिखिए बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा, बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा यानी कि उस महिला का मेडिकल चेकअप, शारीरिक परीक्षा। पहला क्वेश्चन आपका कि महिला का शारीरिक परीक्षा किस डॉक्टर द्वारा, पूर्व डॉक्टर द्वारा कि महिला चिकित्सक द्वारा, तो महिला चिकित्सक द्वारा। सभी एक एक छोटी छोटी बातें लिखी जाती हैं, उतना नहीं बताएं, जो आ सकता है वही बताएं। जब अपराध की इत्तिला या सूचना मिलती है तो उसके कितने घंटे के अंदर मेडिकल चेकअप कराया जाए, तो 24 घंटा। और यही हाथरस कांड में नहीं हुआ, 12 दिन बाद मेडिकल चेकअप कराया गया। तो आपका जो हाथरस कांड मने यूपी के लिए काफी कह सकते हैं कि ये रहा हादसा वाला, लेकिन यही काम नहीं होता जल्दी। तो सूचना प्राप्ति के यानी कि जब पुलिस को सूचना प्राप्त हो गई दुराचार की या उसके प्रयास की, तो कितने घंटे के अंदर मेडिकल चेकअप कराया जाएगा महिला का, 24 घंटे। रट कर जाइएगा, लिखिए एक लाइन, इत्तिला प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर, बस इतना ही पढ़िएगा। यानी कि अपराध की इत्तिला प्राप्त होने के कितने घंटे, 24 घंटे, लिख लेना 24 घंटे। बस एक क्वेश्चन और बनता है, स्त्री की सम्मत से कि सहमत के बिना, तो स्त्री की सम्मत से अगर वो सम्मत देने या रजामंदी देने में असमर्थ है तो उसके गार्जियन की रजामंदी, जबरदस्ती मेडिकल चेकअप नहीं होगा जब तक कि स्त्री क्या ना हो, रजामंद या अक्षम है, तो कौन रजामंद हो, उसके गार्जियन। अब आइए इसके बाद 166A डायरेक्ट लिखिए, बस 166A और 166B, जो भी कारण हो पता नहीं क्यों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है प्री में, मैंने जो भी कारण हो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है प्री में, तो रट कर जाइएगा और 3-4 क्वेश्चन एक साथ तैयार रखिएगा। मैं बता रहा सीआरपीसी की धारा 166A, सीआरपीसी की धारा 166B पढ़िएगा, इसी के साथ सीआरपीसी की धारा 188 पढ़िएगा, इसी के साथ सीआरपीसी की धारा 189 पढ़िए, कम से कम आपका इसी के साथ। देखिए हम थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं ताकि अन्य कानूनों से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए। इसी के साथ संविधान के अनुच्छेद 245 का क्लास 2 पढ़ना है, ये आईएएस में जीएस में बना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 245 का कौन सा क्लास 2, और इसी के साथ एविडेंस भी हम पढ़ाएंगे, लेक्स पोरी, लेक्स पोरी, और इसी के साथ आईपीसी की धारा 3 और 4, यानी बहुत व्यापक के नियम है। अभी आपका केवल वही कोरिलेट किया जा रहा है जो बिहार एपीओ में सिलेबस है, इसके बाहर अब कोरिलेट नहीं होगा फिलहाल। तो एक एक प्रावधानों को याद रखिए और एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस यहाँ से। तो पहला हम साक्ष्य नियम से उठाते हैं, बना भी है, कई बार बिहार में आ सकता है भाई साक्ष्य नियम में। साक्ष्य अधिनियम कैसी विधि है, लेक्स लोसी है कि लेक्स फोरी है, पहला क्वेश्चन तो यही बना, बताइए कैसी विधि है, बताया गया तो लेक्स को, लेक्स का मतलब ला और फोरी का मतलब फोरम, ला मतलब विधि और फोरम यानी कि प्लेस, प्लेस मने अर्थात एविडेंस एक स्थानीय विधि, ना मार दीजिएगा, स्थान विशेष की विधि, फिर एक बार याद रखिए, फिर एक बार याद रखिए भाई, आपका कई राज्य पूछ चुके हैं। लेट्स फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि गलती ज्यादा इधर होगी, और ये जो कोरिलेट करा जा रहा है आपका एक क्वेश्चन बनने का 99% चांस है, इसमें कोई शक नहीं। और एक एक सीढ़ी ही आप ऊपर बढ़ेंगे,
एक एक क्वेश्चनों को ही आप कवर करें। तो पहला फिर मैं बता रहा हूँ एक बात कि एविडेंस कैसी विधि है और ये आ जाए तो क्या मारेंगे, लेट्स सपोज। क्योंकि पिछली बार बिहार में बना था हिंदू ला कैसी विधि है, लेट्स फोरी हिंदू ला कैसी विधि है, लेकिन आपका ये भी याद रखना है लेट्स फोरी का मतलब समझ लीजिए। अगर कोई घटना विदेश में हुई है और भारत में उस घटना को प्रूव करना है, साबित करना है, तो बताइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सहयोग लिया जाएगा, यानी कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार घटना को साबित किया जाएगा कि विदेशी विध के अनुसार भारतीय, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि घटना कहीं घटी हो, अगर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा कहाँ चल रहा है भारत में, तो उस घटना को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत साक्ष्य पेश करके भारत में प्रूफ या सिद्ध या प्रमाणित किया जाएगा। और अगर ऐसा कानून है तो इसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं, लेक्स फोरी, क्या कहते हैं। अब तो आ गया कि फिर बताया जाए, ना आए तो एक बार इशारा करे, भले तेज चल रहा हो बता दिया जाएगा दोबारा। अब आइए भाई घटना, अब यहीं से क्रम से उठाइए, देखिए यहीं से आपका दिमाग घर पे पड़िए। घटना विदेश में हुई है और उस घटना के लिए भारत में व्यक्ति क्या पा रहा है, सजा। तो दूसरा क्वेश्चन यह है कि क्या ये संभव है कि विदेश में अपराध करने पर व्यक्ति भारत में सजा पाए, तो क्या आईपीसी में इसका कहीं प्रावधान है कि भारत से बाहर अपराध करेगा तो भारत में सजा पाएगा आईपीसी के तहत। तो बताइए आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या बाह्य प्रादेशिक अपराधों पर या भारत से बाहर के अपराधों पर आईपीसी लागू होगी कि नहीं होगी, और आईपीसी की कौन सी दो धाराएं भारत से बाहर के अपराधों के लिए भारत में सजा का प्रावधान करती है, तो कौन सी, इसलिए ये धारा पढ़नी है, भारत से बाहर अपराध और व्यक्ति कहाँ सजा पाएगा भारत। अब आइए अगला नियम देखिए, एविडेंस और ये संविधान में आ गया। तो भाई यही आईएस में जीएस में बना था भाई, अगर बिहार बना दे संविधान अच्छे से तो भाई हवा खराब हो जाए, मैं बता सबकी, यानी कि अगर अच्छे से संविधान बनाते, आसान नहीं है संविधान आपका भाई, वीडियो उपलब्ध है ऐप पर, आप कुछ वीडियो से भी पढ़ते रहिए जो भी जा रहा हो, क्योंकि शाम वाले बैच में आपका लगभग 8 तारीख से संविधान चल रहा है और अब जाकर 2-4 दिन में समाप्त क्या होगा, समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि एविडेंस भी लगाना है, तो आपका 15 तारीख से शाम वाले में एविडेंस लगेगा और सुबह तो चल ही रहा है आपका संविधान। तो आप लोग वीडियो से भी भाई कुछ पढ़ते रहे, अब ये सोचेंगे कि सर तो भाई शॉर्टकट में पढ़ाया जा सकता है और भी आपको पढ़ना है तो वीडियो उपलब्ध है, वीडियो से पढ़ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन संविधान से देखिए, आईएएस में बना है, बिहार एपीओ में अगर बहुत कठिन बना है तो बना सकता है, ऐसे क्वेश्चन बना है, देखिए उदाहरण कि कौन भारत में सक्षम है जो ऐसी विधि बना सके जो भारत से बाहर लागू, तो आपका दिया था देखिए कौन कौन, संसद दिया था एक ऑप्शन, दूसरा राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य का विधानमंडल, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई, तो क्या संसद सक्षम है कि राज्य सक्षम है कि दोनों सक्षम है, इसको एक लाइन लिखिए, केवल हमारी संसद सक्षम है राज्य सक्षम नहीं, और किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 245 के किस क्लाज में, टू में। फिर एक बात समझिए, इतना आसान नहीं है, कोई कानून भारत से बाहर लागू हो तो ऐसा कानून बनाने की क्षमता भारत में किसको प्राप्त है, तो केवल और केवल किसको, संसद को हमारी, राज्य को नहीं है, राज्य विधानमंडल को नहीं, एक लाइन लिखिए भाई,
अनुच्छेद 245 के क्लाज वाइज लिखिएगा, अनुच्छेद 245 के क्लाज 2 के तहत, एक लाइन लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन बना है। क्लाज 2 के तहत केवल भारत की संसद ही ऐसा कानून बना सकती है जो भारत के बाहर भी लागू हो। याद रखिएगा इसको, जो भारत के बाहर भी लागू हो। अगला ये, अब सीआरपीसी में देखिए भारत के बाहर के लिए क्या क्या नियम है। भारत के बाहर के लिए आपका कह सकते हैं, एक और थोड़ा व्यापक कर दिया जाए, झारखंड का भी मॉडल आपका हो सकता है बन जाए, तो दो धारा और जोड़ दिया जाए, और ये 6 धाराओं को एक साथ लिख लीजिए, और हमेशा इस पर क्या आ रहा है क्वेश्चन। आइए पहले आपका एक निपटा जाए, लिखिए भाई। अब तो एक एक जगह इसको हम लिखवाएंगे, पहले लिखिए सीआरपीसी की धारा 166A, 6 को लिखिए, तो इसको 100 भले नोट में भाई अलग से लिखिए, 166A पहला क्वेश्चन, भारत से बाहर अन्वेषण कराना हो तो भारत से क्या जारी हो। अब देखिए क्या क्या बनता है, समन भारत के न्यायालय जारी करेंगे विदेश के लिए, वारंट जारी करेंगे, लिखित आदेश जारी करेंगे, और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र, तो क्या जारी कराएंगे, अनुरोध पत्र। फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन बहुत गलत होता है, पत्र जारी होगा कि अनुरोध पत्र, समन जारी होगा कि अनुरोध पत्र, इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए, लेटर ऑफ, लिखिए भारत से बाहर अन्वेषण के लिए अनुरोध पत्र जारी होगा। भारत से बाहर खूब पूछा जाता है, पता नहीं क्यों, कि यूपी तो हमेशा ही पूछ ही देता है, भारत से बाहर अन्वेषण के लिए क्या जारी होगा, अनुरोध पत्र, इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। दूसरा देखिए 166B लिखिए, क भाई हिंदी में ख देगा, हिंदी में क्या देगा, क ख, और इंग्लिश में ए बी, ये नहीं कि ए बी भ्रम में आ जाए। लिखिए विदेश से भारत में अन्वेषण कराने के लिए, अब विदेश से आएगा, भारत से विदेश गया किस में, 166 है, और विदेश से किस में भारत में आएगा, 166B। लिखिए विदेश से भारत में अन्वेषण के लिए, बताइए क्या जारी विदेश करेगा भारत के लिए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, यहाँ भी क्या मार्क कराना है, अनुरोध पत्र। लिख लिए, यही सब दो चार क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा अच्छे से तैयार रखिए जाके घर पे भी। अब आइए 188 सीआरपीसी 188, यहाँ से भी अभी उत्तराखंड बना था, कि भारत से बाहर अपराधों के लिए भारत में जांच और विचारण का स्थान किस धारा में दिया गया, यानी कि इंग्लैंड में अपराध किया तो भारत के किस स्थान के न्यायालय ऐसे अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा सुनेंगे। तो कौन सुनेगा भाई, अपराध तो कहाँ किया है, विदेश में, तो बताइए इलाहाबाद का न्यायालय सुनेगा कि बनारस का सुनेगा, तो दिमाग आपका सतर्क होकर इलाहाबाद बनारस नहीं, जहां ऐसा अभियुक्त क्या हो पाया, यानी कि इंग्लैंड से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, पकड़ लिया गया, तो किस कौन सा न्यायालय मुकदमा शुरू कर देगा, दिल्ली, मान लीजिए प्रयागराज में पकड़ लिया गया तब कौन सा न्यायालय शुरू कर देगा, प्रयागराज, लखनऊ में पकड़ लिया गया तो, और पटना में पकड़ लिया गया तो, क्योंकि अपराध तो कहाँ किया है, बस एक शब्द, कहाँ किया जाएगा जांच विचार, किस न्यायालय द्वारा, हाँ जहाँ वह पाए, लेकिन
अब एक लेपिन भी लगाना है। ऐसा जांच और विचारण केंद्रीय सरकार के पूर्व सहमत से किया जाएगा, यानी कि केंद्रीय सरकार की क्या ली जाएगी। इसको लिखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है। 188 लिखिए, भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए, हेडिंग भी याद रखना है, उत्तराखंड इस बार हेडिंग पूछा था, भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए भारत में जांच एवं विचारण का स्थान, भारत में जांच एवं विचारण का स्थान, पैराग्राफ चेंज करके लिखे भाई, ऐसी दशा में जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहां ऐसा व्यक्ति पाया जाए, बस यही याद रखिए, जहां ऐसा व्यक्ति क्या करे, मतलब भारत में जहां पाया जाए, लेकिन केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, लेकिन लगा कर लिखिएगा, केंद्रीय सरकार की क्या पूर्व अनुमति से। अगला ये भाई आपका 189 धारा 189, ये भी खूब पूछी जाती है, रट कर जाइएगा सब धाराएं। 189 लिखिए, भारत से बाहर साक्ष्य एकत्र करना, हेडिंग डाल लीजिए तो, भारत से बाहर साक्ष्य एकत्र करना। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए पहले, भारत से बाहर साक्ष्य एकत्र करने के लिए कौन सी धारा में प्रावधान है, 189। भारत से बाहर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए क्या जारी होगा, अब देखिए क्या क्या पूछेगा, पत्र जारी होगा, यहाँ से अनुरोध पत्र जारी होगा, लिखित आदेश, समन, वारंट और कमीशन या आयोग जारी होगा, इसी में से आपको चुनना पड़ेगा। अब यहाँ अनुरोध पत्र नहीं, यहाँ क्या जारी होगा, कमीशन मतलब आयोग, भाई लिख लीजिए क्या जारी होगा, बस एक लाइन, अनुरोध पत्र ना मार कर आ जाएगा इसमें, आपका क्या जारी होगा, कमीशन या आयोग, हिंदी में आयोग कहते हैं भाई, आयोग मार कराइएगा पूरा मॉडल। इसके बाद आ जाइए आपका यूपीएफपीओ का फिर मॉडल है, 105 धारा 105 लिखिए, यानी अब इस समय सब कुछ को एक जगह एकत्र करना चाहिए, 105 लिखिए भाई, व्यधिकारी राज्य क्षेत्र के बारे में व्यवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसिप्रोकल, 105 में लिखिए धारा 105 सीआरपीसी, व्यधिकारी राज्य क्षेत्र के बारे में व्यवस्था, कौन सी धारा में है, 105। व्यधिकारी राज्य क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि दो देशों में समझौता हुआ है कि आपका अपराधी हमारे यहाँ भगेगा तो हम आपको सौंप देंगे, और हमारे यहाँ आपके यहाँ भगेगा तो आप क्या करिएगा, सौंप दीजिए, यानी कि अपराधी अपराध करके कहाँ भाग गया है, विदेश, या संपर्क कहाँ बना लिया है, विदेश। अगला लिखिए धारा 105 ए, कैसे ले लिखिएगा, नई धारा 105 ए, ये झारखंड में पूछा गया था इस बार, पिछली बार एफपीओ में कि ये पूछा गया था, संविदाकारी राज्य की परिभाषा सीआरपीसी में कहां दी गई है,
तो लिखिए इस धारा में संविदाकारी राज्य की परिभाषा दी गई है। इस धारा में किसकी परिभाषा? कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, समझौता हुआ। ये डायरेक्ट पूछा गया था संविदाकारी राज्य की परिभाषा 105 ए, यानी कि निश्चित रूप से आपका बता दिया जाए कि इधर से भाई क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए 167, यहाँ से तो लगभग सेट रहता है एक क्वेश्चन बनना, ये भी एक बिहार जे में बना था, यहाँ से भी आपका सेट रहता है एक क्वेश्चन बनना। देखिए आपका इसलिए सेट रहता है कि तमाम बातें आपका दी गई है, अगर अगर कोई अधिवक्ता पूरी सीआरपीसी न जानता हो और केवल 167 ही ज्यादातर जानता हो तो खुद तो कमा ही लेगा न्यायालय, इसमें कोई शक नहीं है। और हमेशा इसीलिए देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें ये है कि अगर अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पुलिस तफ्तीश या विवेचना या अन्वेषण पूरा नहीं कर पाए तो कौन सी धारा अप्लाई होगी? 167। तो अब आप बताइए जब पुलिस 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं की और अभियुक्त गिरफ्तार है तो संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लॉज 2 कवर करी कि 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं रखा जा सकता, तो अब पेश कराया जाएगा, कहाँ कराया जाएगा? मजिस्ट्रेट, तो किस मजिस्ट्रेट के पास? न्यायिक, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? एक बार में अधिकतम कितने दिन के लिए अभिरक्षा में? 15 दिन, और एक बार में कितना कितना दिन बढ़ाते रहेंगे, जमानत नहीं मिली तो जाओ जेल में, ये पहला नियम। दूसरा नियम कि न्यायिक मजिस्ट्रेट मान लीजिए 15-15 दिन बढ़ा रहे हैं, अब आगे बताया जाए भाई आप अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिले तो कहाँ पेश किया जाएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, एडीएम, एडीएम इत्यादि। अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सके तो कहाँ पेश किया जाएगा? कार्यपालक, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कब जोड़ा गया 167 में? तो 1978 में 167(2)(a) जोड़ी गई है धारा, नहीं उसी में मैंने। फिर आइए भाई आगे बताया जाएगा, ये थोड़ा समय लेगा ये भी धारा, इसके बाद कम समय लगेगा क्योंकि इसमें 7-8 नियम है जो आपको पढ़ना है। देखिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के हाथ कब पेश किया जाएगा अभियुक्त को? जब न्यायिक मजिस्ट्रेट मिले कि ना मिले ना। तो अगला क्वेश्चन यूपीएफपीओ में कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिन के लिए अभियुक्त को अभिरक्षा में भेज सकते हैं? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट पूछे तो कितना दिन, और न्यायिक मजिस्ट्रेट पूछ ले तो 15, रटे रहिए। अब ये पूछा जाता है कि पुलिस अभिरक्षा किस धारा के तहत दी जाती है, तो यहाँ आपका पुलिस अभिरक्षा भी हो गई पुलिस कस्टडी, और न्यायिक अभिरक्षा की धारा में तो जेल भेजा जाता है, तो न्यायिक अभिरक्षा भी इसी धारा, यानी कि पुलिस अभिरक्षा भी न्यायिक अभिरक्षा भी की धारा में 167। इसके बाद आपका आता है 160 दिन का नियम है, और दूसरा कितने दिन का? 90 दिन, जो बिहार जे में इस बार बना था, और इसी नियम रिपीट कर सकता है क्योंकि बहुत अच्छा नियम है, फिर एक बार सतर्क होकर समझिए। अगर अभियुक्त गिरफ्तार है और वह जेल में जमानत नहीं पाया, तो अगर 10 अभियुक्त के खिलाफ ऐसे अपराध का अभियोग है जिसमें सजा उसे 10 वर्ष से कम ही मिल सकती है, तो पुलिस को कितने दिनों में अन्वेषण पूरा कर लेना चाहिए, अन्वेषण की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज देनी चाहिए? तो कितने दिन में 10 साल से कम के मामले में? 60, और अगर 10 साल
या उससे ऊपर की सजा है, जो अपराध अभी किया है जेल में है तो कितना दिन, 90 दो ही याद रखना है। आपका यही पूछा भी गया था कि ऐसे, अब देखिए अब क्या पूछा गया था, मॉडल दो मॉडल बनाना है, मॉडल जो बना था बिहार में, ऐसे अपराध जिसमें सजा 10 साल से कम हो, अन्वेषण पूरा करने की अवधि क्या हो, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन और 90 दिन। तो कितने दिन में पुलिस साक्ष्य एकत्र करके मजिस्ट्रेट को भेज दे, 60 दिन, लेकिन 10 साल से क्या कम। अब यहाँ यूपी भर में आता है, देखिए 10 साल का दंड है तो कितने दिन में, तो हमने क्या बताया 10 साल से कम में कितना दिन, और 10 साल हो जाएगा तो 90, 10 से अधिक 90, मृत्यु दंड में 90 दिन, आजीवन कारावास में 90। ये 10 वाला भी सतर्क रहेगा, 10 से कम है तब कितने दिन में, और 10 एकोरेट है तब कितने दिन, 90, और 10 से अधिक है तो। देखिए बेरक में ऐसा उलझाव लिखा है कि आप पकड़ नहीं पाएंगे, ये भी सही बात है। बेरक में अगर एक नियम को आप एक बार घर से पढ़ कर देखिएगा, इतना घुमा दिया है कि अनधिक नहीं नहीं करके कि आप खुद ही उलझ जाएंगे। उसका सीधा मतलब पूछा जाता है, सीधा मतलब आप जान। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अगर पुलिस 60 या 90 दिन, जो भी स्थिति हो, 60 या 90 दिन में अन्वेषण पूरा नहीं करती तो क्या प्रभाव होगा, मामला खत्म हो जाएगा, FIR रद्द होगा, अभियुक्त जमानत का हकदार होगा, इनमें से कोई नहीं, भाई सतर्क रहना है। इस क्या होगा, अभियुक्त जमानत का हकदार होगा, इसी को पूछा जाता है इंटरव्यू में, फ्री में भी अब आ सकता है। डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल का मतलब चूक के कारण जमानत, चूक के कारण जमानत मतलब व्यतिक्रम के कारण जमानत, यानी कि जब पुलिस 60 या 90 दिन में जैसे भी स्थिति हो अन्वेषण पूरा नहीं कर पाती है और अभियुक्त जेल में है तो वह अधिकार के रूप में क्या मांग सकता है, जमा, इसमें कोई शक नहीं, अधिकार के रूप में विवेक नहीं है, लेकिन जमानत तब दी जाएगी अभियुक्त को जब न्यायालय से क्या करे मांग। अब अभियुक्त के अधिवक्ता का कार्य है कि एक एक दिन क्या करते रहें, गिनते रहें, और जैसे ही गिरफ्तारी का कितना हो गया 60 या 90 तो तुरंत मजिस्ट्रेट के आवेदन दे कि पुलिस चार्ज, तो पुलिस रिपोर्ट भेजी नहीं, पता हमें क्या दिया जाए, जमानत, और अभियुक्त अधिकार के रूप में जमानत पाने का क्या होगा अधिकार। इसका उपाय आपका किया, यानी कि 60 और 90 दिन का भी नियम देखना है और डिफॉल्ट बेल भी इसी में आएगी। एक और क्वेश्चन लाख में बताया जाए कि क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है, तो फिर आपका शुरुआती दौर में हम केस बताए थे और आपका केस फिर दिमाग में बैठा, ये कौन सा केस, प्रीवी कांसिक का हम बताए थे, वाजा नाजिर अहमद वर्सेज इब्बर, पुलिस का कार्य अलग, मजिस्ट्रेट का कार्य अलग, न तो मजिस्ट्रेट के कार्य में पुलिस हस्तक्षेप करे न पुलिस के कार्य में मजिस्ट्रेट, दोनों के कार्य एक दूसरे में व्यापी नहीं है, अर्थात मजिस्ट्रेट जांच करे और पुलिस को अन्वेषण कर। लेकिन एक अपवाद है 167 में, जहां की मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा किए जाने वाले इन्वेस्टिगेशन को क्या कर सकता है, रोक सकता है, और यही इंटरव्यू में बनता भी। तो कल आपका आगे बताया जाए भाई, क्योंकि अभी टेस्ट होगा भाई 12 वर्ष है, जो लोग इच्छुक हो अपना APO बिहार टेस्ट देने के लिए, आपका 12 वर्ष से शुरू होगा, और आपका जो कोचिंग के लोग हैं उनके लिए टेस्ट का 70 रुपया रखा गया और बाहरी लोगों के लिए 100 रुपया, भाई फिर सूचना दे दीजिए, कोचिंग के लोग 70 रुपया देकर टेस्ट दे सकते हैं, 12 बजे से 2 बजे तक टेस्ट होगा, यानी कि 20 मिनट बाद आपका 20-25 मिनट बाद शुरू होगा।